लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में कुछ दिन पहले लूट की घटना को लेकर पीजीआई पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 27 जनवरी 2021 को मेडिकल संचालक के साथ लूट की घटना अनावरण हेतु उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के क्रम में टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा क्षेत्र में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज प्राप्त किए गए, जिसमें शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि साथियों संग राय की कर लूट की घटना को अंजाम देते हैं। मेडिकल संचालक की लूट की घटना के बारे में पूछा गया तो बताया कि वह अपने साथी पंकज रावत, एक साथी नाम पता पंकज जानता है, और वह मोटरसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा एकादशी तमंचा 315 गोल बादो अध्यक्ष जिंदा कारतूस 315 गोल प्राप्त की गई और 25,000 नगद रुपए और एक आदत चेक बुक मिला। दिनांक 27 तारीख को थाना पीजीआई क्षेत्र में देर रात एक घटना हुई थी, जहां एक मेडिकल संचालक के साथ लूट की गई थी। उनके पैसे से भरे बैग को छीन लिया गया था, इसमें लगभग लाख रुपए थे। इस घटना के तत्काल बाद पुलिस सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही कई टीम्स इस कार्य पर लग गई थी। 29 तारीख को पीजीआई थाने की टीम को इसमें सफलता मिली। एक मुखबिर सूचना के प्राप्त होने के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम आनंद रावत है, इस व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये लड़का इस लूट में शामिल था। पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। ये अपने साथियों के लिए वेट कर रहा था और शायद किसी दूसरी घटना के फिराक में था। पूछताछ करने पर भी इसने माना कि उस लड़के का वेट कर रहा था, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आ पाया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 5 लोग सम्मिलित रहे हैं, जिसमें से जो इसका मास्टरमाइंड है वो पंकज रावत है, और पंकज रावत, आनंद रावत और आनंद रावत का ही एक रिश्तेदार है आकाश रावत। ये 3 लोगों के नाम अभी हम जानते हैं। पंकज रावत के 2 और साथी थे साथ में। ये जब हम लोग और रेस्ट अरेस्टिंग करेंगे तब उसके बारे में और डिटेल से बता पाएंगे। इसमें घटना कारित करने में सबसे पहले 2 लोगों ने रेकी की है। 2 लोग रेकी करने में, एक आकाश है और दूसरा एक और व्यक्ति है जिसको ये लड़का नहीं पहचानता है अभी, आनंद। इन 2 लोगों ने, जब वो मेडिकल संचालक पैसे लेके निकला है, उसके बाद उसका पीछा किया गया है, पीछा कर, और ये 3 लोग ऑलरेडी पहले से ही इसके घर के बाहर वेट कर रहे थे। इस घटने की प्लानिंग लगभग महीने भर पहले हो चुकी थी, जहां लोग कॉन्स्टेंटली ये वॉच रखते थे कि ये व्यक्ति पैसे लेकर के अपने घर पे जाता है उस बैग में रख करके। उसी को उन्होंने अंजाम दिया 27 तारीख को। 3 लोग ऑलरेडी से घर पे वेट कर रहे थे, पंकज और उसके साथी, और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो लड़का पकड़ा गया आकाश, यहाँ पे था। और नहीं नहीं, इसमें एक महीने से रेकी नहीं हो रही थी। देखिए, मैंने कहा 1 महीने से रेकी नहीं हो रही थी, 1 महीने से प्लानिंग थी। रेकी उसी दिन हुई है, और रेकी करने वक्त किसी के पास कोई हथियार नहीं होता है, लड़के सिर्फ उसमें घूमते हैं उस क्षेत्र में। इस घटना में एक इनसाइडर का भी हाथ होने की आशंका है, एक व्यक्ति जो कि उस स्टोर पे पोस्टेड था। स्टोर में उसको स्टोर से निकाला गया था लगभग 3 महीने पहले संचालक द्वारा। संचालक ने भी इस बात को कबूला है। उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है। संभावित यह है कि उसी ने ये सूचना दी थी और उसी के बाद इस घटना का अनावरण हो पाया है।